नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़े से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मसाला फिश रेसिपी, सरसों वाला मसाला फिश रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमने 500 ग्राम मछली ली है, ये रेहू मछली है, इसको मैंने 4-5 बार साफ पानी से धो लिया है। अब हम मछली को मैरिनेट करेंगे, तो चलिए मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सरसों का पेस्ट, ये पीली वाली सरसों का पेस्ट है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये नमक स्वाद अनुसार। नमक कमी डालिए, नमक हमें बाद में भी यूज़ करेंगे। सभी को हाथों की हेल्प से मिला लेंगे हम। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ढककर। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैं ऑयल डालूंगी। अब जो भी ऑयल खाते हो वो इस्तेमाल करिए। तेल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल को हम पैन में चारों तरफ से फैला लेंगे। अब मछली की पीसेस एक एक करके हम डाल देंगे। आप चाहे तो मछली को डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। तो सभी पीसेस को हम डाल देंगे। अब थोड़ा सा ऊपर से हम ऑयल और डालेंगे, ताकि ऊपर वाले पीसेस में भी ऑयल लग जाए। मैं फिश को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं हेल्दी बेस में बना रही हूँ ये मछली। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो हम इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से लाल हो चुका है तो हम इसको पलट देंगे। सभी को पलटेंगे हम आराम आराम से ही। ये बिल्कुल नाजुक होते, टूट जाते हैं ये। देखिए लाल हो चुके हैं, इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी लाल कर लेंगे इसे। देखिए दूसरी साइड से हमारा लाल हो गया, इतना बढ़िया कलर लग रहा है ये। तब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, दोनों साइड से बढ़िया से लाल कर लिया मैंने करारा सा। तो सभी को निकाल के फिर हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा, सरसों के दाने डालेंगे। इसी दानों की मैंने पेस्ट बनाया है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मछली में। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, ये थोड़ा सरसों डालेंगे। लहसुन और सरसों का पेस्ट डाल के हम इसे भूनेंगे। यहीं पे हम मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर, भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। सभी को हल्का सा पानी डाल के हम भून लेंगे मसाले को तेल छोड़ने तक। जब तक तेल ना छोड़ दे हम मसाले को भूनते रहेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं मछली को एक एक करके मसालों में डाल दूँगी, अलट पलट के हम इसमें मसाले लगा देंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर हमारे मछली में जा सके बढ़िया तरीके से। इस तरीके से बनाइए, आपके घर में बड़े हो या बच्चे, सभी को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये। अगर आपके घर में गेस्ट भी आए ना, उनको ऐसे बना के दोगे, वो भी पूछेंगे इसकी रेसिपी कैसे बनाया आपने। तो देखिए मसालों में सही से पक चुका है ये, तो हम इसको सर्व करेंगे खाने के लिए। तो मैंने एक प्लेट में सभी फिश को रख दिया है, थोड़े से प्याज के लच्छे रख दूंगी मैं। इसमें हरी चटनी डाल देंगे। आपको जैसे खाना पसंद है आप वैसे खाइए, हरी चटनी लाल चटनी जैसे खाना वैसे खाइए। यहीं पर हम फिश में आधी नींबू निचोड़ देंगे। अब ये हमारा फिश मसाला रेसिपी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।